दिव्य बंसल जी, महाराज जी जॉब की वजह से पुणे जा रहा हूँ। महाराज जी काम वासना बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। महाराज जी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। महाराज जी मुझ पर कृपा करो। हे गुरुदेव, पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। महाराज जी काम स्पुरणा तो होती है, लेकिन परेशान करती है जब उसके लिए राशन की व्यवस्था करते हैं। खुली बात है, गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। काम स्फुरणा होना अलग बात है, लेकिन परेशान करना, उसके लिए राशन की व्यवस्था है आपके पास, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। नहीं, स्फुरणा हो सकती, पूर्व संस्कार हो, स्फुरणा आती है, तरंग आ जाती है, कभी काम की तरंग है, कभी मोह की, क्योंकि अभी कोई भगवत प्राप्त थोड़ी है। लेकिन परेशान करना, बस आप देख लीजिए, मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए, कुशंग से जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। ये भले समझ में लोगों को ना आवे, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको समझ ले, वो जहर है जो तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना, संतों की बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये क्या जाने बाबा जी हैं, लेकिन जैसे आंख वाले को दूर का रास्ता दिखाई देता, पता है आगे कुआं या गिरेगा जाके, तुम्हें लग रहा है बहुत सुंदर मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा कुआं है, गिरोगे जाके। जो धर्म का नाश कर दे, जो हमारे अंदर वृत्तियों को भ्रष्ट कर दे, जो हमें विषयों का गुलाम बना दे, उसका जीवन मंगलमय हो सकता है? कैसे हो सकता है? मोबाइल में गंदे चित्र देखना, गंदे बच्चों का संग करना, गंदे व्यसन आहार, गंदी बातें करना, अगर ये बंद कर दो तो हम ये जरूर मानते हैं कि काम की स्फुरणा होती है, स्फुरणा होती है, थोड़ी देर शांत हो जाएगी। और उसके लिए शांत करने के लिए नाम है, देखो चतुरासी जी की फल स्तुति पढ़ा है, उसमें लिखा है बहु जल निधि को नाव काम पावक को पानी। जैसे आग जल रहे पानी मारो तो शांत हो जाता है ना, ऐसे चतुराशी जी के पद गाने लगो, काम वेदना शांत होने लगी, लिखा है, फल स्तुति लिखी। पर यदि आप गंदा दृश्य देखेंगे, बहुत घातक है, बहुत घातक। एक मछली की क्रीड़ा को देखकर शौभरी जैसे महात्मा के हृदय में विकार आ गया। तो आप लोग तो देश विदेश की बातें देखोगे मोबाइल में, जैसे बच्चों से संपर्क की, आपकी इतनी अवस्था है लघु, और तुम इतने गंदी स्थिति को कैसे प्राप्त हो गए? तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे सर्च करो, तो मोबाइल में ऐसे ऐसे आ जाते हैं, वो हम सब देखा, इसलिए हम ऐसे गंदे हो गए, ऐसे भाव गंदे। तो इन बातों से यदि आप बचो और नाम जब करो तो स्फुरणा आती है, परेशान वाली बात नहीं शब्द आएगी। अब यदि स्फुरणा आई, उससे उदासीन हो जाओ, अब उसको आहार दोगे, गलत चिंतन करोगे, गलत दृश्य करोगे, गलत क्रिया, फिर तो वो तो फिर आग ही है, कामाग्नि है, वो भस्म कर देगी, वो जलाएगी, आपको भ्रष्ट करेगी। ऐसे नवीन नवीन बच्चों की आदतें बिगड़ गई कि किसी दूसरे की जरूरत नहीं, अपने आप से अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, वो काम वेदना तो फिर बढ़ेगी। अगर आप ऐसे दोषों का कहीं भी किसी भी तरह संग करते तो छोड़ दीजिए, तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। परेशान करना स्फुरणा होना होता है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये वासनाएं स्फुरित होती रहती हैं, और जहां भगवान में मन लगा, भजन हुआ और उनकी कृपा हुई, तो सब शांत, हृदय निर्वासनिक हो जाता है, कोई भी किसी तरह की वासना ना उसे प्रभावित कर सकती है, ना स्फुरित हो सकती है। समझ रहे हैं आप?